हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एस के एस जी के। आज हम इस वीडियो में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट फोर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम दिल्ली सुल्तनत की स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पहले बार प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस दबा आइकन, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक थे। क्वेश्चन 2, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्वाधीन मुसलमान शासक कौन थे? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला स्वाधीन मुसलमान शासक थे। क्वेश्चन 3, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ पर था? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर में था। क्वेश्चन 4, व्हिच टाइटल डिड कुतुबुद्दीन ऐबक अज्यूम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा उपाधि को ग्रहण किए थे? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एंड सिपाहसालार उपाधि को ग्रहण किए थे। क्वेश्चन 5, हु नोन एज लाकबक्स फॉर हिज मैग्नानिमिटी, कौन सा शासक को अपनी उदारता के लिए लाकबक्स रूप से जाना जाता है? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के लिए लाकबक्स रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी मस्किज वेयर बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कितने मस्जिद का निर्माण किया गया था? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2 मस्जिद का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन 7, हु बिल्ड द क्वात उल इस्लाम मस्जिद एट दिल्ली, कौन से शासक ने दिल्ली में क्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। क्वेश्चन 8, हु बिल्ड द मस्जिद आधाई दिन का झुनपरा एट अजमेर, कौन सा शासक ने अजमेर में आधा ही दिन का झुनपरा मस्जिद का निर्माण किया था? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में आधा ही दिन का झुनपरा मस्जिद का निर्माण किया था। क्वेश्चन 9, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली, कौन सा शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डाला था? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डाला था। क्वेश्चन 10, हाइट एंड डायमीटर ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का ऊंचाई और व्यास कितनी है? आंसर, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर। क्वेश्चन 11, कुतुब मीनार वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ, कुतुब मीनार को किसके स्मृति में बनाया गया था? आंसर, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन भक्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार को बनाया गया था। क्वेश्चन 12, हु वाज द रिलीजियस इंस्ट्रक्टर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के धार्मिक उपदेशक कौन थे? आंसर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन भक्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के धार्मिक उपदेशक थे। क्वेश्चन 13, हु वर द कोर्ट पोएट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबार के कवि कौन थे? आंसर, हसन उल निजामी और फखरुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 14, हु वर द ऑथर ऑफ ताज उल मासिर, ताज उल मासिर का लेखक कौन थे? आंसर, हसन उल निजामी ताज उल मासिर का लेखक थे। क्वेश्चन 15, हु वाज द ऑथर ऑफ तारिक ई मुबारक शाही, तारिक ई मुबारक शाही का लेखक कौन थे? आंसर, शाह फखरुद्दीन तारिक ई मुबारक शाही का लेखक थे। क्वेश्चन 16, इन व्हिच ईयर डिड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज डाई, कौन सा वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था? आंसर, 1262 को कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन 17, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था? आंसर, पोलो खेलते समय अपनी घोड़े से नीचे गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन 18, हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन थे? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आरम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन 19, आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज द फेमस सुल्तान ऑफ दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु के बाद दिल्ली का प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का प्रसिद्ध सुल्तान थे। क्वेश्चन 20, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर, इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक थे। क्वेश्चन 21, हु वाज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन थे? आंसर, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद थे।
कौन 22 इल्तुतमिश बिलोंग टू हुई डायनेस्टी? इल्तुतमिश किस वंश के थे? आंसर इल्तुतमिश शामसी वंश के थे। कौन 23 वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ पर था? आंसर इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली में था। कौन 24 चेंगिज खान अटैक इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? कौन सा शासक शासनकाल में चेंगिज खान ने भारत पर आक्रमण किए थे? आंसर इल्तुतमिश के शासनकाल में चेंगिज खान ने भारत पर आक्रमण किए थे। कौन 25 हुम द कैलिफिक ऑफ बागदाद रिकॉग्नाइज एज द रूलर ऑफ मुस्लिम किंगडम ऑफ इंडिया? बागदाद कैलिफ ने कौन सा शासक को भारत में मुसलमान राज्य का शासक रूप से मान्यता दिया था? आंसर बागदाद कैलिफ ने इल्तुतमिश को भारत में मुसलमान राज्य का शासक रूप से मान्यता दिया था। कौन 26 हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने समाप्त किया था? आंसर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को समाप्त किया था। कौन 27 हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? कौन सा शासक ने इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था? आंसर इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था। कौन 28 हु इज रूलर ऑफ क्लेव डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल? गुलाम वंश का कौन सा शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जितल को पेश किया था? आंसर गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल को पेश किया था। कौन 29 हु वाज द ऑथर ऑफ तबावत ई नासिर? तबावत ई नासिर का लेखक कौन थे? आंसर मिनहाज उस सिराज तबावत ई नासिर का लेखक थे। कौन 30 हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ टोम बिल्डिंग? कौन सा शासक को मकबरा का जनक कहा था? आंसर इल्तुतमिश को मकबरा का जनक कहा था। कौन 31 तुर्कान ई चालांगी और चालीसा और ग्रुप ऑफ 40 नोबेल्स वाज फाउंडेड बाय? कौन सा शासक के द्वारा तुर्कान ई चालांगी या फिर चालीसा या फिर 40 रॉयंस का समूह को स्थापना किया गया था? आंसर इल्तुतमिश ने तुर्कान ई चालांगी या फिर चालीसा का स्थापना किया था। कौन 32 हु वाज द वाइफ ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के पत्नी कौन थे? आंसर शाह तुर्कान इल्तुतमिश के पत्नी थे। कौन 33 हु वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के पुत्र कौन थे? आंसर रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के पुत्र थे। कौन 34 हु वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के पुत्री कौन थे? आंसर रेजिया सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्री थे। कौन 35 हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया? मध्ययुगीय भारत का पहला और आखिरी महिला मुसलमान शासक कौन थे? आंसर रेजिया सुल्तान मध्ययुगीय भारत का पहला और आखिरी महिला मुसलमान शासक थे। कौन 36 रेजिया सुल्तान मैरिड टू हुम? रेजिया सुल्तान ने किसको विवाह किए थे? आंसर रेजिया सुल्तान ने मलिक अल्तुनिया को विवाह किए थे। कौन 37 हु वाज अपॉइंटेड एज मास्टर ऑफ स्टेबल्स? किसको मास्टर ऑफ स्टेबल के रूप से नियुक्त किया गया था? आंसर जलादुन याकूत को मास्टर ऑफ स्टेबल के रूप से नियुक्त किया गया था। कौन 38 हु वाज इक्तरुद्दीन अल्तुनिया? इक्तरुद्दीन अल्तुनिया कौन थे? आंसर इक्तरुद्दीन अल्तुनिया भातिंदा के राज्यपाल थे। कौन 39 हु रिवोल्ट एग्नेस्ट रेजिया सुल्तान? किसने रेजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? आंसर इक्तरुद्दीन अल्तुनिया ने रेजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। कौन 40 रेजिया सुल्तान डाइड इन व्हिच ईयर? कौन सा वर्ष रेजिया सुल्तान का मृत्यु हुआ था? आंसर 13 अक्टूबर 1240 को हरियाणा के कैथल में रेजिया सुल्तान का मृत्यु हुआ था। कौन 41 हु वाज द सक्सेसर ऑफ रेजिया सुल्तान? रेजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी कौन थे? आंसर इल्तुतमिश के पुत्र और रेजिया सुल्तान के भैया बहराम शाह ने रेजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी थे। कौन 42 हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का महानतम शासक कौन थे? आंसर गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का महानतम शासक थे। कौन 43 द पावर ऑफ चेलांगनी वाज डिस्ट्रॉयड बाय? कौन से शासक के द्वारा चेलांगनी के शक्ति को नष्ट किया गया था? आंसर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के द्वारा चेलांगनी के शक्ति को नष्ट किया गया था। क्वेश्चन 44 टू कंट्रोल द मंगोलोज हु फाउंडेड द सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अर्ज? मंगोलोज को नियंत्रण करने के लिए कौन से शासक ने स्वतंत्र सैन्य विभाग दीवानी अर्ज का स्थापना किया था? आंसर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मंगोलोज को नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र सैन्य विभाग दीवानी अर्ज का स्थापना किया था।
क्वेश्चन 45 हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तानेट हु एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यूज। दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान कौन थे जिन्होंने राजस्व सिद्धांत को स्थापना किया था? आंसर गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान थे जिन्होंने राजस्व सिद्धांत को स्थापना किया था। क्वेश्चन 46 हु कॉल्ड हिमसेल्फ जील ई इलाई द शैडो ऑफ गॉड। कौन सा शासक ने अपनी खुद को जील ई इलाई यानी भगवान का छाया कहा था? आंसर गयासुद्दीन बलबन ने अपनी खुद को जील ई इलाई कहा था। क्वेश्चन 47 हु स्टार्टेड द ईरानियन सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। कौन सा शासक ने सिजदा और पाइबोस दो ईरान प्रणाली को शुरू किया था? आंसर गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाइबोस दो ईरान प्रणाली को शुरू किया था। क्वेश्चन 48 हु इंट्रोड्यूस द नवरोज फेस्टिवल। कौन सा शासक ने नवरोज त्यौहार को शुरू किया था? आंसर गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज त्यौहार को शुरू किया था। क्वेश्चन 49 हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। कौन सा शासक ने रक्त और लोहा नीति को अनुसरण किया करते थे? आंसर गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लोहा नीति को अनुसरण किया करते थे। क्वेश्चन 50 हु वेयर द कंटेम्प्रेरी पोर्ट्स ऑफ बलबन। बलबन के समकालीन कवि कौन थे? आंसर आमिर हसन एंड आमिर खुसरो बलबन के समकालीन कवि थे। क्वेश्चन 51 हु वाज द इन्वेंटर ऑफ सितार। सितार का उद्भावक कौन थे? आंसर आमिर खुसरो सितार के उद्भावक थे। क्वेश्चन 52 आमिर खुसरो इज ऑल्सो नोन एज। आमिर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आमिर खुसरो को तुती हिंद और भारत की तरफ से जाना जाता है। क्वेश्चन 53 इन मेडियल हिस्ट्री व्हाट नोन एज सिटी ऑफ रिबेल। मध्ययुगीय इतिहास में सिटी ऑफ रिबेल ग्रुप से किसको जाना जाता है? आंसर मध्ययुगीय इतिहास में लखनऊ को सिटी ऑफ रिबेल ग्रुप से जाना जाता है। क्वेश्चन 54 हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? आंसर बलबन के पोता कायकोबाद ने गुलाम वंश का अंतिम शासक थे। क्वेश्चन 55 काजियान उल फुतू तुगलक नामा एंड तारिक ई आलाई वर रिटन बाय। किसने काजियान उल फुतू तुगलक नामा और तारिक ई आलाई को लिखा था? आंसर आमिर खुसरो ने काजियान उल फुतू तुगलक नामा और तारिक ई आलाई को लिखा था। क्वेश्चन 56 हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। कौन सा शासक को दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक से माना जाता है? आंसर इल्तुतमिश को दिल्ली सुल्तानत का वास्तविक संस्थापक से माना जाता है। क्वेश्चन 57 हु मेड हिज कैपिटल दिल्ली इन द प्लेस ऑफ लाहौर। कौन सा शासक ने लाहौर के जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था? आंसर इल्तुतमिश ने लाहौर के जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 58 हु वाज नोन एज दरभेसी किंग। कौन सा शासक को दरभेसी किंग रूप से जाना जाता था? आंसर इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को दरभेसी किंग रूप से जाना जाता था। क्वेश्चन 59 व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के वास्तविक नाम क्या था? आंसर शाम्स उद्दीन इल्तुतमिश इल्तुतमिश का वास्तविक नाम था। सो गाइज यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।